डियर स्टूडेंट्स, क्लास फाइव का ये मैथ है, चैप्टर एट, एक्सरसाइज 49। तो इसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि पैसे को रुपये में चेंज करना है और रुपये को पैसे में चेंज करना है। इस तरह से बतलाना है आपको रुपये को कैसे पढ़ा जाता है, पैसे को किस तरह से पढ़ा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, कन्वर्ट इंटू रुपीज़। तो यहाँ पैसे में दिया हुआ है और हमको रुपीज़ में चेंज करना है, तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की ओर हम लोग जाना है। इसका मतलब है कि हम लोगों को इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से और इसका आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का, यहाँ पे हम लोग के पास दो पार्ट है, ए बी, और यहाँ पैसे दिया हुआ है, इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। तो यहाँ पे 1 पैसे, जो फार्मूला मैंने बताया था, 1 पैसे इक्वल टू कितना रुपीज़ हो गया, रुपीज़ जैसे 1 में हम लोग बनाए थे, सेम उसी तरह से इसको भी बनाना है। तो रुपीज़ हो गया 1/100, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने पैसे हैं, 5 पैसे हैं, तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 5 जाएगा ऊपर और 100 नीचे रहेगा। अब 5 से ये कटेगा, काट देते हैं, या फिर आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम काट देते हैं इसको, 5 20 बार में कटेगा, ये 20 बार में, तो इसका मतलब कितना आ गया, 1/20। अब डिवाइड करना हम लोग के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 20, और यहाँ पर 1 है तो जगह रखते हैं, सबसे पहले 0 पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 मिलेगा, फिर से 0 लगाएंगे फिर दूसरा 0 मिलेगा, और 25 जा 5 बार में हम लोग जाएंगे तो 100 हम लोगों को मिल जाएगा। ये कट गया, तो कम्प्लीटली क्या आ गया, 0.05। तो रुपीज़ में हम लोगों को लिखना है, तो पॉइंट में हम लोग रुपीज़ पहले लगाते हैं, रुपीज़ 0.05, ये होगा इसका आंसर। कंप्लीट हो गया। बी में क्या दिया हुआ है, 70 पैसे, इसको मिटा लेते हैं हम लोग, 70 पैसे। तो इसको भी सेम वैसी करना, तो आप उतना ज़्यादा न करें, तो इतना ज़्यादा फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप 70/100 कर दें। ये कट गया, तो फिर कितना आ गया, 7/10। इतना ज़्यादा फॉर्मूला बतलाने का मतलब है कि आप डिटेल में भी समझना आपको आवश्यक है। इस तरह से शॉर्ट में आपको मैं बता सकता हूँ, शॉर्ट में आप जान सकते हैं, लेकिन आप डिटेल जानेंगे तो क्या होगा कि इस तरह का बड़ा क्वेश्चन अगर आता है तो आप वहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज शॉर्टकट में क्या होगा, आप फंस सकते हैं, इसीलिए मैंने डिटेल में बताया। तो यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 10/7, 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे कितना बार में गया, 7 बार में, तो ये कट गया, ठीक है। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, रुपीज़ 0.70 लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 0 लगाया जा सकता है, पॉइंट के बाद इधर जितना 0 लगाते हैं वैल्यू उसका सेम ही रहता है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट है सी और डी, इसमें दिया हुआ है 320 पैसे, तो इसको भी 100 से ही डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 320 पैसे, जिसको हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसको अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो कितना हुआ, 2 0 है, तो यहाँ पर 2 के बाद 2 डिजिट के बाद जो पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा रुपीज़ 3.20, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है सेम उसी तरह से 1563/100, तो 100 में 2 0 होता है, तो यहाँ पे 1 2 गिन के लगाएंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, इसका मतलब हो गया रुपीज़ 15.63, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, इक्वल टू रुपीज़ 15.63, ये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे